हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल स्टडी फॉर आरएएस में, जिसमें हम आपको आगामी आरएएस परीक्षा की तैयारी के लिए स्तरीय अध्ययन सामग्री उपलब्ध करवाते हैं। हमारी टीम का उद्देश्य है कि आप बिना किसी कोचिंग के ही प्रथम प्रयास में सफलता हासिल कर सकें। आगामी आरएएस परीक्षा के लिए क्या रूपरेखा होनी चाहिए, उसी पर आज एक छोटी लेकिन अत्यंत महत्वपूर्ण चर्चा आपके साथ की जाएगी। देखिए, अगर आपको जीवन में पहले सफलता प्राप्त करनी है तो आपको प्रयास भी सबसे पहले ही करने होंगे। तो इसी के साथ आज हम आरएएस परीक्षा 2019 के प्रीलिम्स के लिए सिलेबस डिस्कस करेंगे, जिससे आपको एक रूपरेखा मिल सके कि किस प्रकार आपको आगे तैयारी करनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरे सामने आरएएस 2018 का प्रीलिम्स का पाठ्यक्रम है, और मान के चलिए कि आपको इसी ये पाठ्यक्रम आगे वाली परीक्षा में नहीं बदलेगा और आप इसी के साथ अपनी तैयारी कर सकते हैं, तो आप इसी को आधार मान करके अपनी तैयारी करें। देखिए, प्रीलिम्स के अंदर एक ही पेपर होता है जिसका नाम है सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान। ये 200 अंक का पेपर होता है और इसमें आपको 3 घंटे का समय मिलता है, और इसके अंदर जो है 150 प्रश्न आपके सामने होते हैं जिनको कि आपको 3 घंटे में पूरा करना होता है। 1/3 इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग होती है। इसका अर्थ ये है कि अगर आपने 3 सवालों को गलत किया तो आपके 1 सवाल के सही सवाल का उत्तर जो है उसको भी गलत मान लिया जाएगा। तो ये आपका स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन हो गया। अब हम सिलेबस को डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, जो सिलेबस है वो हम पूरा यहाँ डिस्कस करेंगे। आपको किस प्रकार से कौन सी किताबों का रेफ़र करना है, इसका अर्थ ये नहीं है कि हम आपको स्टडी मटेरियल नहीं देंगे। हम सभी टॉपिक्स के ऊपर आपको स्टडी मटेरियल उपलब्ध करवाएंगे, जो कि हमारे एक्सपर्ट्स के द्वारा बनाया गया होगा, जिसमें कि एकदम लेस एरर आपको मिलेगा। लेकिन अगर कोई भी स्टूडेंट अपने स्तर पर अपनी तैयारी जारी रखना चाहता है, किसी किताबों का रेफरेंस चाहता है, तो उसके लिए हम कोई किताबों के नाम आपको यहाँ पे बताएंगे। इसका अर्थ ये नहीं है कि हम उन किताबों का एंड्रॉस कर रहे हैं, लेकिन ये है कि हम जिन किताबों को बताएंगे वो एक्सपर्ट्स के द्वारा सुझाई गई हैं, जो कि प्रीलिम्स के लिए बहुत आवश्यक किताबें हैं। और अगर आप नहीं भी ख़रीदते हैं तो भी उससे कोई आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। हम आपको सारी चीज़ें यहीं उपलब्ध करवाएंगे, जिससे कि आपको ये पता रहे कि क्या नहीं पढ़ना है, आपका लेबर कम हो और आपकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा बढ़े। तो इसी के लिए हमारी टीम प्रयासरत है। फिलहाल हम पाठ्यक्रम देख लेते हैं और जो किताबें हम रेफ़र करते हैं आप चाहें तो उन्हें खरीद सकते हैं। पाठ्यक्रम में सबसे पहले है आपका राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, साहित्य, परंपरा और विरासत। देखिए, ये वाला जो टॉपिक है ये लगभग हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। RPSC का कोई भी एग्ज़ाम हो, आपको राजस्थान की हिस्ट्री और कल्चर, ये बहुत पेटेंट सवाल इसके अंदर से आते हैं। अब देख लेते हैं इसमें है क्या क्या। आखिरकार राजस्थान के इतिहास की महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाएं, प्रमुख राजवंश, राजवंशों में आपको पढ़ना है मेवाड़, मारवाड़, चौहान इत्यादि, उनकी प्रशासनिक और राजस्व व्यवस्था, सामाजिक सांस्कृतिक मुद्दे जो उस समय प्रचलित थे वो सभी आपको इसमें पढ़ने हैं, स्वतंत्रता आंदोलन, जन जागरण व राजनीतिक एकीकरण। स्वतंत्रता आंदोलन में आपको पढ़ना है 1857 की क्रांति, 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन, उसका प्रभाव राजस्थान में क्या रहा, कौन कौन से लीडर्स जो थे, नेता जो थे राजस्थान के, वो उन्होंने उसमें भाग लिया, ये अत्यंत महत्वपूर्ण है, इस पर सवाल आ चुका है। 2013 के अंदर 1857 की क्रांति का क्या स्वरूप था उस पर सवाल आया था। जनजागरण 1942 का जो भारत छोड़ो आंदोलन है उस पर एक जेंटलमैन एग्रीमेंट करके हुआ था, वो हम बताएंगे आपको कि क्या था, उसके ऊपर सवाल आ चुका है 2013 के मेंस में। उसके अलावा राजनीतिक एकीकरण में हम आपको बताएंगे कि राजस्थान जो है उसका एकीकरण जो है आप सभी जानते हैं 7 चरणों में हुआ है, 7 स्टेजेस में, कौन कौन से वो चरण हैं, कब कब वो हुए हैं और उसके अंदर जो है कितने जो स्टेट्स हैं, जितने जो प्रिंसली स्टेट्स हैं उनको इसके अंदर कंबाइन किया गया है, वो इसके अंदर आपको पढ़ाया जाएगा। ये आपसे जो ये राजनीतिक एकीकरण में पढ़ना है। उसके अलावा देखिए नेक्स्ट टॉपिक है स्थापत्य कला की प्रमुख विशेषताएं, किले एवं स्मारक। आप सभी जानते हैं राजस्थान के अंदर बहुत सारे किले हैं, कुछ किलों को यूनेस्को की हेरिटेज साइट के अंदर भी इंक्लूड किया गया है, वो कौन से किले हैं उनको हम पढ़ेंगे, स्मारक कौन कौन से हैं वो पढ़ेंगे। आप जानते हैं कि जितने भी स्मारक हमारे और ये किले जो हैं वो इस दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पे कई ऐतिहासिक घटनाएं हुई हैं, तो हमें ये पढ़ना होगा कि पहली चीज़ तो है कि इनको बनवाया किसने है, इनका निर्माण काल, समय, इसके अंदर क्या प्रमुख विशेषताएं इनकी रही हैं, वो सारी चीज़ें हम जो है इनके अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, थोड़ा सा वास्ट ये इसका सिलेबस है, लेकिन ये कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट है कला, चित्रकला एवं हस्तशिल्प। देखिए,
चित्रकलाओं में जो है इस पे दो सवाल आ चुके हैं, मैं आपको उदाहरण देती हूँ। 2017 के आईएएस के प्रीलिम्स के अंदर सवाल पूछा गया था, बनी ठनी पेंटिंग किस शैली की है, तो वो कई बच्चों का नहीं आया था, किशनगढ़ शैली की पेंटिंग है। उसके अलावा जो है आपका 2018 आरएएस प्रीलिम्स में सवाल था, कई चित्रकारों के नाम दे रखे थे और आपको पहचानना था अलवर शैली का चित्रकार कौन सा है। तो 12वीं शताब्दी के अंदर जो है राजपूत समय के अंदर यहाँ पे कई सारी जो चित्र शैलियाँ हैं वो विकसित हुई थी, जैसे आमेर शैली है, मारवाड़ शैली है, मेवाड़ शैली है। इनमें कौन कौन सी चित्रकलाएँ थी, कौन से चित्र बनाए गए, कौन से महत्वपूर्ण हैं और कौन से महत्वपूर्ण चित्रकार हुए, वो सारी चीज़ें हमें इनमें पढ़नी है, क्योंकि यही फैक्ट्स जो है प्रीलिम्स में पूछे जाते हैं। हस्तशिल्प में क्या आएगा, हस्तशिल्प में थेवा कला है, उस्ता कला है, कलमकारी है, ये सारी चीज़ें जो कलाएँ हैं वो आपको इसके अंदर पढ़नी है। फिर है राजस्थानी साहित्य की महत्वपूर्ण कृतियाँ, क्षेत्रीय बोलियाँ। राजस्थान का जो साहित्य है वो बहुत रिच है, आप जानते हैं राजस्थानी भाषा को जो है एक जो है अपनी संविधान की सूची में भी इंक्लूड करने की बात चलती है, तो यहाँ पर कई सारा साहित्य जो है वो लिखा गया है। बोलियाँ जो है, बोलियों के अंदर आपको पढ़ना है कि कौन कौन सी बोलियाँ हैं, जैसे मारवाड़ी है, मेवाड़ी है, खैराड़ी है, और डिंगल पिंगल जो साहित्य लिखा गया है वो सारा आपको पढ़ना होगा इसमें। फिर नेक्स्ट आता है मेले, त्यौहार, लोक संगीत एवं लोक नृत्य। इसके अंदर कौन कौन से आपको जो मेले हैं जो राजस्थान में फेमस हैं, जैसे गणगौर का मेला है, तीज का मेला है, त्यौहार आप जानते ही हैं, लोक संगीत, देखिए लोक संगीत पर पहले सवाल आ चुका है, जैसे गवरीबाई जो हैं वो किस लोक गायन शैली से संबंधित थी। लोक नृत्य जो है उस पर भी सवाल आते हैं, ठीक है, जैसे कि गणगौर है, सॉरी घूमर है और कलबेलिया है, ये जो लोक नृत्य हमारे यहाँ फेमस हैं उन पर सवाल बनते हैं, किस किस प्रकार के हैं, तो वो हम इसमें पढ़ेंगे। फिर है राजस्थानी संस्कृति, परंपरा, विरासत, राजस्थान के धार्मिक आंदोलन, संत एवं लोक देवता, महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल, राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व। अब मैं आपको इसके लिए किताब बता देती हूँ। देखिए आपको इसके लिए अगर कोई किताब रेफ़र करनी है तो वो आप करेंगे लक्ष्य राजस्थान की किताब, जी हाँ लक्ष्य राजस्थान की किताब आप इसमें रेफ़र करेंगे। उसके अलावा 11th प्लस 12th की जो RBSC बोर्ड की किताबें हैं वो भी काफ़ी अच्छी किताबें हैं, तो ये आप रेफ़र कर सकते हैं, क्योंकि इनमें एरर्स बहुत कम हैं और मटेरियल भी लिमिटेड दिया हुआ है, जिससे कि आपको ज़्यादा या अनावश्यक फैक्ट्स याद रखने की आवश्यकता ना रहे, और कंफ्यूजिंग चीज़ें तो बहुत बहुत ही कम हैं, तो आप इन किताबों को रेफ़र कर सकते हैं। नेक्स्ट चलिए भारत का इतिहास। भारत का इतिहास जो है इसके अंदर आपको पढ़ना है प्राचीन और मध्यकाल का इतिहास और आधुनिक काल का इतिहास। इसके अंदर देखिए क्या क्या है, प्राचीन एवं मध्यकालीन भारत के इतिहास की प्रमुख विशेषताएं एवं महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाएं, कला, संस्कृति, साहित्य एवं स्थापत्य। कला, संस्कृति, स्थापत्य, ये सारे कौन सी चीज़ें हैं जो कि हड़प्पा काल से और मुगल काल तक जो जो कला, साहित्य और जो स्थापत्य कलाएं हमारे यहाँ पे विकसित हुई हैं भारत देश में, वो सारी चीज़ें आपको इसके अंदर पढ़नी है। प्रमुख राजवंश कौन कौन से हैं, उनकी प्रशासनिक, सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था क्या क्या थी, सामाजिक, सांस्कृतिक क्या क्या मुद्दे उस समय रहे हैं, वो सारी चीज़ें आपको इसके अंदर पढ़ाई जाएंगी। आधुनिक काल, इसके अंदर क्या क्या पढ़ना है, एक तो आपको पढ़ना है आधुनिक भारत का इतिहास, उसकी प्रमुख घटनाएं, व्यक्तित्व, मुद्दे, स्वतंत्रता संघर्ष एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से हमेशा सवाल आता है, प्रीलिम्स हो चाहे मेंस हो, राष्ट्रीय आंदोलन पे, जिसके के अंदर हम गांधी जी के द्वारा किए गए आंदोलन, उससे पहले गांधी जी से पहले किए गए आंदोलन हैं, उन सभी को पढ़ेंगे। उसके बाद में ये एक टॉपिक और इंपॉर्टेंट है, 19वीं और 20वीं शताब्दी के अंदर सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा आपका आता है स्वतंत्रोत्तर काल के काल में राष्ट्रीय एकीकरण एवं पुनर्गठन। तो ये एक बहुत सरल से टॉपिक्स हैं, हम इसके लिए किताब आपको रेफ़र बता देते हैं कौन सी आपको रेफ़र करनी है। तो देखिए किरण की जो गाइड आती है, अब आप कहेंगे गाइड बुक बता रहे हैं, लेकिन ये जो गाइड बुक है ये इजीली आप उसको कवर कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, फैक्ट्स इसके अंदर पूरे हैं। और इसके अंदर दूसरी बात, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हम देख रहे हैं वो ये है कि एरर बहुत कम है। और इसके अलावा अगर आपको रेफ़र करनी है तो आप BL ग्रोवर की जो किताब है उसको आप रेफ़र कर सकते हैं, हालांकि ये मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से है, लेकिन BL ग्रोवर की जो किताब है वो आपको जो है फैक्ट्स के अंदर बहुत ज़्यादा मदद करेगी, और ये मॉडर्न हिस्ट्री के लिए आपके लिए उपलब्ध है, ठीक है, ये मॉडर्न हिस्ट्री के लिए है BL ग्रोवर की किताब। अगर आप चाहें तो इसको ख़रीद सकते हैं, वरना इसका टेलीग्राम लिंक हम दे देंगे आपको, तो ये BL ग्रोवर की किताब आप पढ़ सकते हैं। उसके अलावा जो किरण गाइड है वो आपको ख़रीदनी पड़ेगी, इसका कोई लिंक अवेलेबल नहीं है।
आप चाहें तो ये किताब खरीद सकते हैं। बाकी हम आपको पूरा मटेरियल वैसे भी उपलब्ध करवाएंगे जो मेंस पॉइंट ऑफ व्यू और प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू दोनों से आपके लिए इम्पॉर्टेंट होगा। ये वीडियो 10 मिनट का हो चुका है, इस वीडियो में इतना ही। आगे का सिलेबस जो है हम नेक्स्ट वीडियो में फॉलो ऑन करेंगे। स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।